अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं माश की दाल की फुल्की। ये फुल्की समझ लीजिए, नहीं बल्कि समझ लीजिए जो मर्जी समझिए, ठीक है। बेसन के मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, खा लेते हैं लेकिन इतने पसंद नहीं है, तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ। माश की दाल को लें, उसे आप ग्राइंड कर लें, भिगो के फिर उसे आप 15 मिनट के लिए भिगो लें गर्म पानी में। फिर आप उसे चॉपर में उसे आप जो है वो चॉप कर लें, यानी कि आप उसे प्रॉपर तरीके से इस तरह का ब्लेंड कर लें, जिस तरह लाइक प्रॉपर जैसा हम एक मिक्सचर जो बना लेते हैं इस तरह का एक मिक्सचर बना लेना। उसमें आपने डाल देना ज़ीरा, नमक, और मैंने ये आपके सामने, ठीक है, और थोड़ा सा बेसन मैंने ऐड कर लिया, थोड़ा सा बेसन ऐड किया ताकि ये फटे ना। सोडा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है इनका, और बड़े मज़े से ये प्यार हो रहा है। इन्हें चेक भी करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बताऊंगी हम क्या क्या मज़ीद ऐड करेंगे इसमें। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने दही ले लिया है बल्लों के लिए, तो हम इसे अब करेंगे बीट करेंगे, ठीक है। ये बीटर है मेरे पास मैनुअली, और ये मेरे लिए बहुत लकी बीटर है क्योंकि ये मेरी मामा ने मुझे दिया था, ये मेरी मामा ने मुझे दिया था। और ये देखिए आप, बहुत मज़बूत, और इसकी फिनिशिंग देखें आप, बहुत मज़बूत चीज़ है, ठीक है। इसे मैं करूँगी, वैसे मुझे हर चीज़ लाना याद रही है अपने ड्रेस में, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक मीटर लाना भूल गई थी। बाकी माशाल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो सब कुछ मैं लेकर आई थी, तो सिर्फ ये लाना भूल गई, ठीक है ये। और मेरे जो मामू हैं उन्होंने मुझे माशाल्लाह से सारी चीज़ें दी, जिसकी जो थी उन्होंने सब चीज़ें दी मुझे। तो ये बीट हो गए, हमने इतना ही करना था, अब हम अब उसके ऊपर नज़र डालते हैं। बिल्कुल हल्का चिल जाता है, इससे कुछ भी नहीं होता है, पंप ही जाएगी बढ़ गई। अच्छा जी, हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक का डालेंगे, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, मैंने 1/2 टेबल स्पून ही डालना है। अच्छा जी, इसमें आप बहुत से लोग डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं, मेरे मियाँ जी कहते हैं कि जी तड़का वड़का कुछ भी नहीं देना। वैसे दही फुल्की जो बनती है उसमें तड़का दिया जाता है, तो मैं इसी तरह इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ये आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें कुछ और नहीं डालूँगी, ना चाट मसाला ना कोई और चीज़, क्योंकि वो जिस तरह मेरी मियाँ कहते हैं वो मैं उसी तरह ही बना लेती हूँ ताकि वो खा सकें। अब हम इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे, दही जो है ना वो मैं घर में खुद जमाती हूँ, और मेरा दही बहुत मज़े का और बड़ा अच्छा दही जमता है मेरे घर में, ठीक है। ये देखें जी, अब हम फुल्कियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसे फुल्कियों को थोड़ा ठंडा करके इसमें डाल देंगे। अब हम फुल्कियों को इसमें ऐड कर लेंगे, फुल्कियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं, और अब हमने फुल्कियों को दही में ऐड कर लेना, ठीक है। ये फुल्की बेचारी, इसके साथ जुल्म हो गया था, ये टूट गई है थोड़ी, ठीक है जी। अच्छा जी, फुल्कियाँ भी हो गई और ये सब कुछ भी हो गया। अब मैं आपको फाइनल टच करके भी दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त ये जो है तैयार हो गई है। आप इसे दही भल्ले कहने या फुल्की कहने, जो मर्ज़ी आप कहना चाहें, मैं तो इसे दही भले नहीं होंगी, मैं इसे फुल्की होंगी जो कि तैयार होगी। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा लाइफ स्टाइल विद ताहिर मिसेस, चैनल का नाम ना भूलिएगा, और कमेंट्स में आप हमें जो भी कहना चाहिए आप कह सकते हैं, अच्छे कमेंट्स से जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।